Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त संदीप कुमार। आज आप लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि एड ग्रोथ चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो भी देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, काफ़ी कुछ लोगों का कहना है कि एड ग्रोथ नहीं चलेगी या एड ग्रोथ की साइट बैन हो चुकी है। वहीं से कुछ लोगों का यह भी मानना है जो एड ग्रोथ के साथ विश्वास बनाए रखे हैं कि कंपनी चलेगी। लेकिन दोस्तों अभी मैं क्लियर ही कर देता हूँ कि मेरे को भी कन्फ्यूजन है कि एड ग्रोथ चलेगी नहीं चलेगी, इसको परसेंटेज के माध्यम से इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों हमारे न्यूज़ चैनल है, जैसे कि मैं बीकी न्यूज़ चैनल से जो जुड़ा हूँ, तो हमारे न्यूज़ चैनल ने एड ग्रुप के एमडी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको लाइव दिखाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों उनसे बातचीत नहीं हो पाई है और उन्होंने लाइव आने से जो है बिल्कुल मना कर दिया है। तो इस बात से जो मन के अंदर ये सवाल निकल के आते हैं कि एड ग्रू जो है नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस बात से तो यही साबित होता है कि जब कंपनी के कुछ बड़े लीडर या कंपनी के कुछ एमडी जब लाइव आने से मना करते हैं तो इसका मतलब ये कि कुछ जमला है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल इस बात को कदरी नहीं कह सकता हूँ वीडियो के माध्यम से कि एड ग्रू नहीं चलेगी, लेकिन दोस्तों जो है उम्मीद है, विश्वास है, उस पर खड़े उतरने के लिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। चलिए अब कुछ बातें करते हैं कुछ दोस्तों के सवालों पर कि एड ग्रू के साथ आखिर हुआ क्या था। दोस्तों गूगल ने अकाउंट बैन किया था और गूगल के अकाउंट चलाने की जो अवधि होती है 3 महीने होती है, जो पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों अभी जो है अप्रैल चल रहा है, जो मई के मंथ से पहले हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं एड ग्रू के बारे में, पूरी तरह से कलरी नहीं कह सकते हैं, कंपनी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन मई के मंथ के बाद जब मेरी वीडियो आएगी तो उसके अंदर पूरी 100% क्लियर कर दूंगा कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। अगर कंपनी चलेगी तो दोस्तों मई मंथ के अंदर कंपनी चल जाएगी, ये बात जो है मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अगर मई मंथ के अंदर भी कंपनी नहीं चलती है तो इसका मतलब कंपनी फिर कभी नहीं चल पाएगी। चलिए कुछ सवालों के जवाब देता हूं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। मोरफन जी ने कमेंट किया है, अगर एड ग्रुप चलेगी तो एमडी साले को लाइव आके बताना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर एड ग्रुप कंपनी चलने के थोड़े से चांस है तो एमडी को लाइव आना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैंने कोशिश की थी उनको लाइव दिखाने की, लेकिन जो लाइव ना आ पाए उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी एसएमएच की स्थिति बनी हुई है। बंगाल जी कमेंट कर रहे हैं कि एड ग्रू साइट हैज़ बिन स्टॉप्ड। आई नो एड ग्रू साइट स्टॉप है, एप्लीकेशन बंद है, गूगल ने बैन लगाया हुआ है। तो अभी 3 महीने कंप्लीट होने दीजिए, 3 महीने में पूरा तरह से पता चल जाएगा कि गूगल उस पर बैन हटा रही है या नहीं चल रही, क्योंकि दोस्तों इलेक्शनों की वजह से भी कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, केस के अंदर केस थोड़ा पास तरीके से निबड़ पाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इलेक्शनों का माहौल बना हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है। चलिए MLM मिंडापुरी जी कमेंट करें, सर एड ग्रू गुरुनाम सर जी को लाइव ले आया कर एक बार प्लीज़, हम सब गुरुनाम सर जी के साथ देंगे। जी आपको बता दें कि गुरुनाम सर हो या कोई भी हो, तो दोस्तों अगर वो लाइव आने से मना कर देते तो मैं उनकी मर्जी के बिना उन्हें कैसे लाइव ला सकता हूँ। और दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से किसी कंपनी को जो है बंद या करार नहीं दे सकता हूँ, किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोल सकता हूँ, इस बात को भी आप भली बातें अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। दोस्तों अगर हमारे साथ एड ग्रू के संस्थापक हो, MD हो, CMD हो, या एड ग्रू का कोई बड़ा लीडर हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, तो अगर लाइव आना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मेरे को मेल कर सकता है paltucrazy@gmail.com पे, वीडियो में कमेंट कर सकता है, तो हम उनको लाइव लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन ये उनकी मर्जी से होगा जिनको हम लाइव दिखाना चाहते हैं, बिना किसी की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। चलिए कुशाल जी कमेंट करें, पेमेंट तो स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी, बढ़िया भाई। बंगाली जी कमेंट करें, MD ऑफ एड ग्रू BKC, ओके भाई। अमित जी कमेंट करें, बगदोदा कंपनी नहीं ओपन होगा, तू क्या कहता है, पैसा लिया एड ग्रू से? भाई साहब मैं किसी कंपनी से जो पैसा ले नहीं लिया, लेकिन मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, आप लोगों की भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आप लोग भी शोक कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साफ साफ कह दूँ कि कंपनी नहीं चलेगी तो उसके बाद हम कर क्या सकते हैं, कुछ लोग अफायर कर देंगे, अफायर से क्या होगा, केस चलता रहेगा, केस पता नहीं कितने साल चल जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं मना करता हूँ कि विश्वास कीजिए, अगर कंपनी नहीं चलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं इतनी बात क्लियरली कह देता हूँ, अगर कंपनी चलेगी तो हम शोक से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ और कमेंट पढ़ता हूँ, और खुतवा जी कमेंट करें, 3 मंथ से 6 मंथ वेट करते हैं कंपनी और खराब समय पैसे खाकर उचित जोड़ी साथ, भाई पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कमेंट कर रहे हो, लेकिन आपकी बात समझ गया हूँ, 3 मंथ से 6 मंथ ज़्यादा मैटर हो चुका है। तो गाइज
ब्याज बाद में बिल्कुल पूरी तरह से कलर ही कर देता हूँ। अगर मई मंथ के अंदर कंपनी चलती है, साइट चलती है, ऐप चलती है, तो कंपनी चलेगी, वरना कंपनी कभी नहीं चल पाएगी। यानी मई मंथ के अंदर इलेक्शन भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ झमला खत्म हो जाएगा। तो एक जून तक का वेट कीजिए। ओ दिनेश कुमार जी, अमली को लाइव लेकर आओ, मान जाएंगे सब। दिनेश कुमार जी भाई लाइव जब आए नहीं रहे तो मैं कैसे लेके आऊँ उनको लाइव। सोनू भाटी जी कमेंट करें, भाई जी सीएमडी खुद सबके सामने आकर क्यों नहीं बोलता कुछ। सोनू भाटी जी इसकी बात का जवाब दे चुके हैं, भाई ये बात तो मेरे को नहीं पता कि कोई आपके सामने आकर क्यों नहीं बोलता है, कैसे नहीं बोलता है, इसके पीछे काफ़ी एसएमएच की शिश्ती बनी हुई है। एंड देव प्रसाद जी कमेंट कर रहे हैं, क्या तेरे पास प्रूफ है एड ग्रू अकाउंट सीज हुआ है? पर देव प्रसिद्ध साहू जी पूछ रहे हैं, भाई आपके पास अकाउंट नंबर होगा, उसके अंदर मनी ट्रांसफ़र करके देखिए, अगर ट्रांसफ़र होता है तो अकाउंट सीज नहीं है, अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो अकाउंट सीज है। तो मैंने करके देखा है तो अकाउंट सीज है, एंड वेबसाइट बंद है, एप्लीकेशन बंद है। तो सीधा साधा यार साफ कॉमन सेंस की बात है कि सब कुछ बंद है। सुनील जी कमेंट कर रहे हैं, सर आप एमडी को लाइव लेकर आए, जरूर भाई कोशिश कर रहे हैं हम पूरी। हरदेव हुसैन जी कमेंट कर रहे हैं, अभी जो तीन मंथ के लिए बंद बैठे हैं उसका पैसा क्या मिलेगा और क्या हमारा पैसा मिलेगा? फिर दीजिए, अगर कंपनी चलती है, अगर कंपनी केस जीतती है तो पैसा ज़रूर मिलेगा, वरना पैसा ज़रूर मिलेगा लेकिन उसको टाइम लग सकता है। अगर कंपनी नहीं भी चलती है तो भी आपको पैसा मिलेगा, 99% संभावना है, लेकिन थोड़ा देर लगेगा, बहुत देर लगेगी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। एंड बंगाल जी कमेंट करें, ऐड गुरु साइट एज मीन डेथ, ओके भाई आपकी कमेंट पढ़ चुका हूँ। रोहित जी कमेंट करें, ऐड गुरु की ऐड कोल बे भाई बढ़िया है, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। विकास राठौड़ जी कब तक चलेगी? विकास राठौड़ जी आपका बता चुका हूँ कि दोस्तों मई मंथ वेट कीजिए, अभी लगभग 30-40 दिनों की बात है। सविजीत बंगाल जी भाई पुलिस केस करते हो भाई, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, पुलिस केस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आदित्य मंडल जी क्या बात कर रहे हैं, आदित्य मंडल जी बोल रहे हैं आपको लगता है कि तीन मंथ का टाइम तक हम लोगों को गुमराह, भाई ऐसा नहीं है आदित्य मंडल जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी नहीं चल रही तो आप एक्शन ले सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। मैं आप लोगों तक जो सूचना होती है, जो मेरा एनालिसिस होता है, जो रिपोर्ट होती है, भाई आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपनी के पक्ष में किसी वजह से बोल रहा हूं, दोस्तों जो है मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं बोल रहा हूं। एंड आदित्य मंडल जी आपकी कमेंट पढ़ चुका मैं। घोषाल जी कमेंट करें, दूर दाई के होबे भाई आल टाइप कमेंट करें, भाई ऐड व्यूज मनी वाला वीडियो बनाओ भाई। पूर्ण सैनी जी कब तक इंतज़ार करें? पूर्ण सैनी जी इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है हमारी, मई मंथ तक इंतज़ार करें, जनवरी मार्च अप्रैल मई। और सिक्रांत सरीकांत जी कमेंट करें, एमडी कहाँ गया? एमडी पक्का है भाई, एमडी साहब को गालियाँ दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप वीडियो में गालियाँ मत दिया करो, मन मन में गाली दे दिया करो। दिनेश कुमार जी ऐसा वीडियो तो बढ़िया है, थैंक यू भाई दिनेश कुमार जी। एंड अंकित कंबोज जी कमेंट कर रहे हैं, भाई बढ़िया है, फ्रॉड हो तुम? नहीं भाई अंकित कंबोज जी, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। एंड एमडी कहाँ गया भाई? सूरज बुरे कमेंट करें, हमने हमारा पैसा चाहिए, नहीं चलेगा भाई। चौधरी अरे पलट भाई एफएम के बारे में भी यही बोलते हो, बढ़िया भाई। सुजीत कुमार जी तू भी मरेगा, अबे भैया गाली मत दो यार ऐसे हमें। एंड शाह जी भाई बोलो, बोल रहा हूँ शाह साहब जी, आपकी बात बोल रहा हूँ, आपका पक्ष भी सामने रख रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि आप लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन है, तो आप एमडी से मिल सकते हैं, गुरु नाम से मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी, तो आप उनसे बात करके भी अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यकीन कीजिए और आप लोग बातचीत कीजिए। दोस्तों एमडी है कहाँ? भगवान जी मेरी एमडी से फ़ोन पे कॉन्टैक्ट से बात हुई थी, काफ़ी बड़ी मुश्किलों के बाद नंबर मिला था, और नंबर भी उनके एक बार बात होने के बाद ऑफ मिलता है। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी समस्याएं आती है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं के साथ आगे बढ़ते हुए हमें ये जंग जीतनी है, और हम जंग जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को जंग जीतने के अंदर शौक करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों ऐड गुरु कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अगर हम ऐड गुरु से जुड़े हुए हैं, इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं कि ऐड गुरु किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से ऐड गुरु ने लाखों लोगों की रोज़गारी दूर करने का काम किया था, और किस प्रकार से ऐड गुरु ने जो एक नए लोगों को रोज़गार देने का काम किया था, ये काफ़ी भलाई का और काफ़ी अच्छा कार्य था। तो दोस्तों इस कार्य को मैं बड़ा मानता हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोगों ने ऐड गुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं आप लोगों को कह दूँ कि ऐड गुरु बिल्कुल बकवास है, ऐड गुरु फ्रॉड है, तो दोस्तों उससे क्या बीतेगी आपके दिलों पे? क्योंकि हमने बड़ी उम्मीद के साथ ऐड गुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था,
लेकिन दोस्तों किसी महान शख्स ने कहा है कि खुदा के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। यार दोस्तों हमें सब्र करना होगा, शांति रखनी होगी, विश्वास रखना होगा। अगर विश्वास रख सकते हैं तो हम बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि मई के मंथ के अभी ज़्यादा दिन दूर नहीं बचे हैं, मई के अंदर इलेक्शन भी सारे चरणों के कंप्लीट हो जाएंगे और मई मंथ के बाद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो गाइज उस रिस्पॉन्स को ध्यान दीजिए और मई मंथ तक वेट कीजिए। अगर मई मंथ तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप जो है जून मंथ के अंदर जो चाहे एक्शन ले सकते हैं कंपनी पे। और कोई अन्य क्वेरी, कोई अन्य क्वेश्चन आपके मन के अंदर मचल रहा हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं अगली वीडियो में जरूर करूँगा। तब तक दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों आप अपने भाई संदीप कुमार को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पूरी इंडिया के अंदर ये वीडियो खलबली मचा पाए और सभी लोग जान पाए एड गुरु के बारे में और सभी लोगों के मन के अंदर जो अशांति फैली वो दूर हो पाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट खबर सोशल से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड और साथ में आपको मूवी और रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलती है, जो आप मस्ती करने के लिए काफ़ी अच्छी है, इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अभी अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लेटेस्ट रोचक इशू मुद्दों के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।